इसमें एक रूपरेखा प्रस्तुत की, उसे शीर्षक दिया आउटलाइन स्कीम ऑफ स्वराज। चित्रंजन दास सी आर दास के नाम से विख्यात हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान दास का परिचय भी हमें जानना चाहिए। वे काशी के थे, उन्होंने अपनी ही जमीन पर भारत माता का एक मंदिर बनवाया, वह पहला मंदिर था। आज अवश्य भारत माता के दो और मंदिर अस्तित्व में हैं, एक हरिद्वार में और दूसरा उज्जैन में। उज्जैन में ठीक महाकाल मंदिर के पास वह स्थित है, नया है, भव्य है। राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना के मूलभूत दो पक्ष हैं, एक का संबंध भारत माता से है तो दूसरे का संबंध उसकी प्रभुता जनता में निहित है। वह उसे कैसे पूरी तरह प्राप्त हो और देश पूर्ण समृद्धि के लक्ष्य पर पहुंचे, यही वह प्रश्न है जो पुनर्रचना की अनिवार्यता को उपस्थित करता है। कुछ विभिन्न संतोषी विद्वान इस बारे में उल्टी दिशा से बोल और लिख रहे हैं। मेरा कहना है कि यह समय विरोध प्रतिरोध आलोचना का नहीं है, समालोचना का है। पुनर्रचना हमेशा दो स्तरों पर होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी रूपरंग होता है, आंतरिक में उसके जीवन मूल्य होते हैं। ते हुए जहां पुनर्रचना की जाती है वह सार्थक और परिणामकारी होती है। किसी राज्य व्यवस्था का मूल तत्व उसकी परंपरा और स्वभाव में होता है। उसकी निरंतरता जब राज्य व्यवस्था में प्रकट होती है तो वह अधिक सार्थक परिणाम लाती है। इस तरफ ही जिस महापुरुष ने 19 नवंबर 1949 को ध्यान दिलाया, वे थे डॉक्टर रघुवीर। उनका कहा हुआ आज याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जिस समय हमारे संविधान के सलाह देने वाले मंत्रदाता बी एन राव, उनको सर बेनेगल नरसिंह राव भी कहते थे, और दूसरे सज्जन आयरलैंड में जा सकते हैं, जिस समय वे लोग स्विट्जरलैंड और अमेरिका जा सकते हैं यह देखने के लिए कि दूसरे देश अपने राज्य का कारोबार किस तरह चलाते हैं, तो क्या इस देश में कोई ऐसा जानने वाला, लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति विद्यमान नहीं था जो आपको यह बताता कि यह देश भी कुछ अनुभव रखता है। इस देश के रक्त में भी कुछ ऐसे विचार हैं जो लोगों के अंदर घुसे हुए हैं और उनसे भी हमको लाभ उठाना चाहिए। उनका यह कथन संविधान सभा के अंदर का है। राज्य व्यवस्था अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। जिसका भारत में बहुत पुराना इतिहास है, जिसकी केंद्रीय अवधारणा में लोकतंत्र, मैंने पहले उल्लेख किया कि राज्य व्यवस्था एक वृहद उपन्यास सरीखा है, उस उपन्यास के पोथे को खोलने और पढ़ने समझने में लंबा समय लगेगा और जीवन भी व्यतीत हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं राज्य व्यवस्था की गणेश परिक्रमा करना चाहता हूँ। कम समय में पृथ्वी परिक्रमा का उदाहरण हमारे पुराणों में है, उसे ही यहाँ अपना कर पुनर्रचना के प्रश्न को शासन में ग्राम स्वराज की भूमिका पर बोलना चाहता हूँ। यह जो भारत की आज राज्य व्यवस्था है, हम जानते हैं कि वह संविधान से निकली है। जब इमरजेंसी से पहले ही मीसा में बंदी जीवन बिता रहा था, उसी समय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय संविधान का विद्यार्थी बना। यह 1974 की बात है। अपना विद्यार्थी जीवन आज भी चल रहा है। हर नागरिक को यह जानना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान कैसे बना। जिस समय संविधान बनाने का महाउद्यम किया जा रहा था, तब परिस्थितियां तूफानी थी, भयावह थी। इसलिए साफ सुथरे ब्लैक बोर्ड पर
कुछ पंक्तियां लिखने जैसा वह साधारण सा उद्यम नहीं था। जमीन पर संविधान सभा काम कर रही थी और वातावरण में हिंसक संघर्ष, कड़वे और अनसुलझे विवाद और देश विभाजन की जहां त्रासदी थी, वहीं संविधान सभा स्वतंत्र भारत की राज्य व्यवस्था को आकार देती जा रही थी। संविधान सभा के उस महाप्रयास से जो संविधान अस्तित्व में आया वह कुछ सचेत मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें लोकहित सर्वोपरि है। संविधान की कल्पना ही वास्तव में लोकहित के एक उपकरण के जैसी है। जन से बड़ा होता है लोक, लोकहित में ही जनहित आ जाता है। जनहित के उद्देश्य से प्रेरित भारतीय संविधान की निरंतर यात्रा चल रही है। वह 7 दशक के पड़ाव पर पहुंच गई है। उसे अनंत की यात्रा करनी है। जो यात्रा हो चुकी है उसके सिंहावलोकन का यह समय है। जब ऐसा करते हैं तो पहली बात सामने आती है वह यह कि अब तक संविधान में सैकड़ों संशोधन हुए हैं। इस वाक्य पर आप चौंकिए मत, यह यथार्थ है, हमारे संविधान का यथार्थ है। संविधान को 3 कारकों ने संशोधित कराया है। जनता की मांग पर पहला संशोधन हुआ, पहले आम चुनाव से पहले वह संशोधन हुआ, भारत सरकार को जब जब लगा कि संशोधन जरूरी है तब तब हुआ, उसकी संख्या भी 125 से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन संशोधन का सिलसिला सिर्फ संसद और सरकार तक सीमित नहीं है। संशोधन के जिस आयाम को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वह है अत्यंत महत्वपूर्ण। वह क्या है ये जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों ने व्याख्या के बतौर जो निर्णय सुनाए उससे भी संविधान बदलता गया। इन संशोधनों से सवाल यह है कि क्या राज्य व्यवस्था के केंद्र में गांव आ सके, क्या ग्राम स्वराज का सपना पूरा हो गया है। इन सवालों का उत्तर हमें खोजना है। क्यों हम भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना पर इस समय बात कर रहे हैं, यह कोई भी पूछ सकता है, उसे पूछना ही चाहिए। इसका बहुत सरल उत्तर है, लोकहित की नई चुनौती सामने है। यह समय चाहे जितना संकटमय हो उसका अंत होगा ही, और जब अंत होगा तब जो चुनौती होगी उसे समझने का यह प्रयास है। इसके 2 पक्ष हैं तो उदाहरण भी हैं। लोकहित का पहला तकाजा आज कोरोना ने उपस्थित कर दिया है। विश्व व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखें तो सभ्यता के दुष्चक्र से निकले और स्वयं के साथ पूरी दुनिया को विनाश से बचाए, इसलिए ग्राम स्वराज का प्रसंग उन्होंने अपने पत्र में उठाया। गांधी जी अपने राजनीतिक वारिस का दिमाग जानते थे, वे सावधान थे। इसलिए उन्होंने लिखा कि अगर तुम ऐसा समझोगे कि मैं आज के देहातों की यानी गांवों की बात करता हूं तो मेरी बात नहीं समझोगे। मेरा देहात यानी गांव मेरी कल्पना में ही आज है। उसमें देहाती यानी ग्रामवासी जड़ नहीं शुद्ध चैतन्य होंगे। यह थी महात्मा गांधी के गांव की कल्पना। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि उनकी कल्पना के गांव में मर्द और औरत आजादी से रहेंगे, वहां न हैजा होगा न मरकी होगी न चेचक होगा। ये लिखा कि मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को राजकरण यानी राज्य व्यवस्था की रचना के संबंध में भी भली भांत समझें। नेहरू जी ने हिंदी में लिखे गांधी जी के पत्र का जवाब बहुत थोड़े में अंग्रेजी में दिया, जिसमें उन्होंने लिखा और उनका लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं। और इससे ये भी साफ होता है कि पंडित नेहरू के दिमाग में भारत के गाँव के बारे में धारणा क्या थी। उन्होंने लिखा कि गांव आमतौर पर बौद्धिक
और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा होता है। ऐसे वातावरण में प्रगति नहीं की जा सकती, ये उनके कहे का समानता हम खोज सकते हैं। वह यह कि राज्य व्यवस्था की रचना एक बड़े उपन्यास जैसी होती है, जिसमें एक साथ कई कहानियां, अनेक पात्र, प्रमुख पात्र आगे पीछे चलते रहते हैं। उसकी मुख्य कहानी साथ साथ चलती है, प्रमुख कहानी और प्रमुख पात्र उसमें से अपना रास्ता ढूंढते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां उनकी नियति होती है। बृहद उपन्यास की इस कल्पना का जीवन के यथार्थ से संबंध ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है। भारत देश के आधुनिक इतिहास में पहली बार राज्य व्यवस्था के स्वरूप पर दो महापुरुषों ने एक प्रारूप बनाया। वे थे देशबंधु चित्तरंजन दास और डॉक्टर भगवान दास। यह गया कांग्रेस जो 1922 में हुई थी, जिसमें चित्तरंजन दास कांग्रेस के उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, अध्यक्षीय भाषण में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया था। उसके बाद चित्तरंजन दास और डॉक्टर भगवान दास ने मिलकर 1923 में एक रूपरेखा प्रस्तुत की। उसे शीर्षक दिया आउटलाइन स्कीम ऑफ स्वराज। चित्तरंजन दास सी आर दास के नाम से विख्यात हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान दास का परिचय भी हमें जानना चाहिए। वे काशी के थे। उन्होंने अपनी ही जमीन पर भारत माता का एक मंदिर बनवाया। वह पहला मंदिर था। आज अवश्य भारत माता के दो और मंदिर अस्तित्व में हैं, एक हरिद्वार में और दूसरा उज्जैन में। उज्जैन में ठीक महाकाल मंदिर के पास वह स्थित है। नया है, भव्य है। राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना के मूलभूत दो पक्ष हैं। एक का संबंध भारत माता से है तो दूसरे का संबंध उसके प्रभुता जनता में निहित है। वह उसे कैसे पूरी तरह प्राप्त हो और देश पूर्ण समृद्धि के लक्ष्य पर पहुंचे, यही वह प्रश्न है जो पुनर्रचना की अनिवार्यता को उपस्थित करता है। कुछ विघ्न संतोषी विद्वान इस बारे में उल्टी दिशा से बोल और लिख रहे हैं। मेरा कहना है कि यह समय विरोध प्रतिरोध आलोचना का नहीं है, समालोचना का है। पुनर्रचना हमेशा दो स्तरों पर होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी रूपरंग होता है, आंतरिक में उसके जीवन मूल्य होते हैं। हुए जहां पुनर्रचना की जाती है वह सार्थक और परिणामकारी होती है। किसी राज्य व्यवस्था का मूल तत्व उसकी परंपरा और स्वभाव में होता है। उसकी निरंतरता जब राज्य व्यवस्था में प्रकट होती है तो वह अधिक सार्थक परिणाम लाती है। इस तरफ ही जिस महापुरुष ने 19 नवंबर 1949 को ध्यान दिलाया, वे थे डॉक्टर रघुवीर। उनका कहा हुआ आज याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जिस समय हमारे संविधान के सलाह देने वाले मंत्रदाता बी एन राव, उनको सर बेनेगल नरसिंह राव भी कहते थे, और दूसरे सज्जन आयरलैंड
पुनर्रचना इस विषय देख लेते शायद नहीं की पुनर्रचना इस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना के प्रश्न पर विचार के लिए मैं मान